नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूँ साजिद दिलबर और आप देख रहे हैं दिलबर न्यूज़। दोस्तों, ये इलाका है मेरठ के शाहजहाँ कॉलोनी का, जहाँ पूरा रोड एक तालाब में तब्दील हो चुका है। पता नहीं चलता कि कहाँ मेन रोड है और कहाँ तालाब है। यहाँ के पार्षद हैं मेहताब आलम और ये है वार्ड नंबर 75 शाहजहाँ कॉलोनी। लोगों की बार बार शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई समस्या का समाधान नहीं होता और गंदगी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। जब भी कोई कॉलोनी वासी शिकायत करता है नगर निगम से या पार्षद से, तो उसका एक ही जवाब होता है, स्टाफ की कमी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, स्टाफ कम है। आखिर स्टाफ कहाँ चला गया, छुट्टी पर चला गया? नगर निगम में कोई स्टाफ ही नहीं बचा है। महीने में 15 दिन में कभी कोई सफाई करने आता है और वो भी पूरी तरह से सफाई नहीं करता है, थोड़ी सी सफाई करता है और सफाई कर्मचारी कहता है कि हमें यहीं तक का आदेश था। आइए बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कॉलोनी वासियों से। बताओ जी, आपका नाम क्या है सर? नहीं मुद्दे। हाँ, क्या क्या परेशानी, क्या उठा? साझा कॉलोनी गली नंबर 3 में रहते हैं जी, और लगभग जो है 15 साल के करीब हो चुके हैं। अच्छा, यहाँ रहते हुए और आज भी यहाँ का कोई विकास नहीं है। अच्छा, आज भी कोई विकास नहीं है। आप देख रहे हैं इधर पानी है, मतलब जो सारा पड़ा हुआ बिल्कुल, इधर दुकान है, यहाँ आके मतलब जो ना भैंस से इतनी बांध है, मतलब जो है भैंस जो खाना पीना बिल्कुल दुश्वार हो जाता है। इतनी बड़ी समस्या है, दोनों डैम आके जो ना यहाँ इतनी भैंस बांध देते हैं और जो कहते हैं तो लड़ने को हो रहा है एकदम से। अच्छा अच्छा, यहाँ का पार्षद कौन है? यहाँ का पार्षद है मेहताब आलम। अच्छा, उससे किसी ने शिकायत कुछ? हाँ, उसके पास गए, शिकायत भी करी उनसे कि भाई हमारे यहाँ मतलब जो ना एक का फुट जो ना गोबर चढ़ जाता है नालियों में और ये नाली चौक हो जा तो शायद है वो भी मतलब जो है उस गली नंबर से जो ना कुछ समझ ऐसे हैं उनके कि भाई सुनाई नहीं करते, बस एक आध दिन आए कटोरा सा लेकर आवे वे सफाई कर्मचारी, बस जहाँ की परमिशन है उनसे अगर कह जाए तो यही कह दे बस, अजी हमारे तो यहीं की परमिशन है, आगे की है ही नहीं। अच्छा। अभी इतना ही करा और अपना जना भाग निकले। एक रोज तो मैंने इतना पीछा करा उनका, अरे मगर यहाँ सुनो तो सही यार, इधर मतलब जो ना ये चौक तो यहाँ हो रही है नाली। अब उस नाली से मतलब नुका जी हमें तो जहाँ कहा हम तो वहीं के ही। मेहताब आलम क्या कह रहे हैं? मेहताब आलम बस यही कहते हैं नुका जो ना हाँ हो जाएगी भाई साहब, हो जाएगी, अभी भेज रहा हूँ जी। सफाई कर्मचारी कम है, कर्मचारी कम है। बताओ भाई साहब कुछ जरा पूर्व देख के बताओ। बता दिया जो इन्होंने कहा वही है। ये प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम? ये पार्षद साहब कहते हैं कि कर्मचारी कम है हमारे पास में, और सफाई का आलम देख रहे हैं आप, वही तो आदमी कहता है जिसे दुख होता, हमें इतना बड़ा दुख है, इतना बड़ा दुख है। हम खुद रोजाना अपनी नाली की सफाई करते हैं, नालियों में गली के नीचे जो पुलिया डली हुई है ऊपर, इसमें डेली बांस देना डेली का काम है। कल भी पैसे दे दे के कराया है यहाँ एक लड़का, मतलब जो पानी इस रोड पे जो पानी है तो मैंने 4 दिन पहले मैंने खुद ने निकाला है, ये इन्होंने खुद निकाला। एक लड़के को रुपए देते हैं, मतलब जो ना कम से कम 250-300 रुपए देते हैं, मगर बेचारा गरीब नहीं। पार्षद के पास स्टाफ कम है तो स्टाफ बढ़ाना चाहिए। अगर पार्षद साहब से नहीं पार्षद जी संभल रही तो रिजाइन दे दे। सही बात है नहीं पार्षद साहब से, आपने भी क्या कुछ? हाँ, हम दोनों गए थे साथ में। अच्छा, सफाई का ध्यान रखो। फिर कहने लगे हो जाएगा? हाँ हो जाएगा, कर्मचारी नहीं है। क्यों नहीं है कि सरकार के पास कुछ कमी है? चलो क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं, मतलब जो ना हालात खराब हैं, बस यही सोचते हैं कि लोग हम तो इधर से जीतते हैं, अपना जो ना